पीछे से हाथ लगाना पड़ेगा वरना गाड़ी खिसक जाएगी सीधे अंदर। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट हिंदू टेंपल पे। कुछ ऐसा है व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये है यहाँ का हीटर, पानी गर्म हो जाता है, सब्जियाँ उबल जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। वह लॉर्ड बुद्धा जी का स्टैचू काफी बड़ा सा है पहाड़ों के बीच में। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहाँ पे उतरते हैं। यू पाई मैन। भाई यमी यार ये तो। निकल चुके हैं हम यहाँ से धाम के लिए। 25 किलोमीटर का रास्ता है जैसा कि बताया था मैंने सुबह। जस्ट ये रोड शुरू हुई है लेकिन आगे तक के यहाँ पे लोगों ने, लोकल लोगों ने बताया कि पिच रोड है, तो अपने को पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, करीब 1 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। ये बढ़िया चीज़ है, 1 से 1.25 घंटे का ही टाइम जाएगा मुश्किल से। तो चलते हैं अभी फटाफट से पहुँचते हैं और मुक्तिनाथ आपको दिखाते हैं। वाटर ब्यूटीफुल गाइस, लुक एट दिस, सामने से पूरा प्लेन दिख रहा है और बीच से नदी भी गई है और दोनों तरफ से पहाड़, दोनों तरफ सारी तरफ से पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। रात में तो ये व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, अभी जाके दिख रहा है। ये देखो व्यू आप, क्या ब्यूटी है। आज तो मैंने 3-3 पैंट डाल लिए, नीचे एक इनर है, दूसरा ऊपर से एक लोअर डाल दिया और तीसरा ये ट्रैक पैंट जो मैंने पहन रखा है, तो 3 लेयर चढ़ा लिए भाई। रात में जो ढेले थे ना, हम नहीं चाहते कि ऊपर जाके भी हमें ऐसा फेस करना पड़े क्योंकि वहाँ पे बर्फ भी गिरी हो सकती है, मे बी ऐसे चांसेस हैं। तो उसको स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू ब्लॉग फ्रेश ड्रॉप्स। क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त। इधर से सनलाइट पड़ रही है, देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं भाई अभी मुक्तिनाथ, यहाँ से 0 किलोमीटर दिखा रहा है और ऐसा कुछ है यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क हुई हैं, जो भी बसें आई हैं टैक्सी वाली, इधर शॉप है। लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा मंदिर किधर है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है ऊपर, इधर भी दिख रहा है, तो आई थिंक इधर ही से कहीं ट्रैक करके थोड़ा सा जाना पड़ेगा ऊपर। भाई टेंपल किधर है? टेंपल इधर से जाइए। किधर से? बाइक है आपका? हाँ बाइक। ए बाइक ये इधर से जाएगा, इधर चला जाएगा बाइक, जो गाड़ी जा रहा है ना। हाँ मंदिर के नीचे वो तक इधर से वहाँ तक। ओके ओके बाइक जाएगा इधर से, इधर से बाइक चला जाएगा। तो हम लोग इधर से थोड़ा सा ट्रक की जगह ऑफ रोड कर लेते हैं बाइक से ही। भाई बहुत ही खूबसूरत। आगे जाने का रास्ता नहीं है बाइक को, तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, अब हम यहाँ से करेंगे ट्रैक छोटा सा। ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यू, घोड़े भी हैं और यहाँ से चढ़ के सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। पीछे से हाथ लगाना पड़ेगा वरना गाड़ी खिसक जाएगी सीधे अंदर। आओ गाइस, यहाँ पे है मंदिर के ओपन होने का टाइम, समर और विंटर का दोनों का अलग अलग होता है, ऐसा कुछ है। अब चलते हैं यहाँ से ट्रैक करना शुरू करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना। कितनी सीढ़ी बताया था अंकल ने? 300 प्लस। आ जाओ कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं यहाँ पे। प्रसाद में क्या है आपके पास? प्रसाद है, सब चीज़ है अंदर में। अच्छा ये तो सेब लग रहा है, ड्राई सूखा हुआ ना? ये सूखा हुआ खाने में एनर्जी देगा। एनर्जी देगा हाँ जी। और
ये स्टोन एप्पल है, ड्राई एप्पल, ये सालिग्राम है, सालिग्राम यहाँ अपना ये का काली काली गंडकी में आता, काली गंडकी में ना, हर विश्व में नहीं। कितने का है ये? ये आपको 200 रुपये इंडियन, नेपाली 300 रुपये। ठीक है, ये कर दो आप और बस बाकी फिर लौट के देखेंगे। ओके थैंक यू। सो चलते हैं अभी हम ऊपर। यहाँ से लोग जाते हैं तो इसको ऐसा राउंड राउंड घुमा के जाते हैं। ये बौद्ध कल्चर का कुछ तो हिस्सा है, अभी मेरे को आइडिया नहीं उतना, और चलते हैं ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन को कैसे लोगों ने ऐसा बना के रखा हुआ है, पिरामिड टाइप का। आई थिंक ये मान्यता वगैरह मानते होंगे, अपनी मन्नत वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा मान के जाते होंगे, क्योंकि ये मैंने केदारनाथ में देखा था ऐसा ही कुछ सिस्टम उधर भी करते थे लोग, जिनकी जो भी मान्यताएँ रहती थी, एक ऊपर एक पत्थर सजा के जाते थे। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और चढ़ने में तो जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा हम बेबी स्टेप लेते चलेंगे। और ये देखो भाई यहाँ का हिमालयन हस्की पूरे बड़े वालों वाले ऐसे हम लोग ढूंढते हैं पालने के लिए, और यहाँ पे ऐसा ही है। जय हो भगवान विष्णु की। हम पहुंच गए अभी मुक्तिनाथ टेंपल के अंदर। ये है गेट यहाँ से प्रवेश करने का, और यहाँ से भी आगे अभी थोड़ा सा, मुझे लगा यही है। यहाँ से कितना दूर होगा अभी? 5 मिनट। ओके, तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता और है। मैप भी है इधर, लेकिन पेड़ की वजह से ढक गया है। और ये मुक्तिनाथ वृक्षारोपण क्षेत्र करके लिखा गया है, यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाए गए हैं मंदिर में। कुछ हीटर भी इधर लगाए गए हैं, सनलाइट से चलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ अभी वापस आके दर्शन करने के बाद। बहुत ही अलग लग रहा है, जिस पे मतलब ये लोग अपना पानी गर्म करते हैं और भी चीज़ें उबालने के लिए शायद यूज़ करते होंगे, और बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो बस सामने ही दिख रहा है टेम्पल। जय हो विष्णु जी की। ऐसा है कुछ यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे झरना भी है काइंड ऑफ, पानी ऊपर से आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो ये ऊपर टॉप से आ रहा है बहुत तेज़। यहाँ पे शोर भी हो रहा है, शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। बस, और इधर भगवान बुद्ध जी का स्टैचू भी लगाया गया है। यहाँ पे लोग बैठे हैं धूप में रेस्ट करने के लिए। सो हम पहुँच चुके हैं अभी मुक्तिनाथ टेंपल। अभी यहाँ पे इस साइड से तो दरवाज़ा बंद है, मे भी शायद पीछे से रास्ता हो अंदर जाने का, देखते हैं अभी। और धुआं तो काफ़ी निकल रहा है यहाँ से अंदर से, शायद कुछ हवन वगैरह चल रही हो, कुछ ऐसा है व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट हिंदू टेंपल पे, जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों की मान्यताएं हैं। और ये टेंपल का नाम है मुक्तिनाथ धाम, जो कि मुक्तिनाथ वैली में है, भगवान विष्णु का टेंपल। और ये सिचुएटेड है मुक्तिनाथ वैली में, थोरंगला माउंटेन के फुट पे, यानी कि थोरंगला जो माउंटेन है उसके एकदम जो बेस नीचे का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है ये टेंपल। 108 जो दिव्य देशम है, मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो मंदिर हैं 108, उनमें से 105 तो अपने इंडिया में है, 106 नंबर पे ये आता है मुक्तिनाथ धाम। और दो जो हैं वो ऐसा मान्यता है कि इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसी कुछ मान्यता है मुक्तिनाथ धाम की। आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही मेहनत से पहुँचे, और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है इधर जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी। व्यू तो बहुत ही प्यारा है, नीचे से ज़्यादा ठंड लग रही थी हम लोगों को जोमसंग में, वहाँ पे तो भाई गलन वाली ठंड थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, शायद रात में होगी, धूप आ रही है अभी तो थोड़ा सा सुकून है। चलते हैं इधर, दिखाते हैं आपको इधर क्या है। वैसे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, बट बाहर से हम देखते हैं, अंदर नहीं जाएंगे।
सो इधर से कुछ ऐसा है, अभी टेम्पल का जो डोर है वो लॉक है। व्यू कुछ ऐसा है चारों तरफ से माउंटेन से, जो ऊपर से सोतों से पानी आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे घंटियाँ लगी हुई हैं, लकड़ी का आई थिंक बना हुआ है, हाँ लकड़ी का ही है, ऊपर जो उसका छत बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से पानी आ रहा है और जो झरना नीचे जा रहा था ना, यहाँ से ही होके जा रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहाते भी हैं, यहाँ से घुस के अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ से नीचे से ऐसे निकलते हैं। दो पॉन्ड भी बने वहाँ से भी लोग जाते हैं। ये यहाँ का बैक साइड का एरिया, तो ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे लोग दिए वगैरह जलाए हैं, अगरबत्ती आ रहा है, हम भी पूजा करने के लिए लेके आए थे, लेकिन अभी तो बंद है मंदिर का गेट। तो देखते हैं ऊपर, तो बहुत ऊंचा है, झंडियाँ लगी हैं काफ़ी सारी, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। जय हो भगवान विष्णु की। ऊपर भी एक दो टेंपल दिख रहे हैं, इधर काफ़ी सारे लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, मैं भी क्लिक कराया हूँ इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे लिंक है, जाके देख लेना आप लोग, बहुत ही प्यारी फोटो आई है। Okay. Where are you from? Lucknow. Lucknow? Yeah. Lucknow. India. India. Lucknow to Amrubara Nodik. Nepal was good. Nepal? Nepal. नेपाल के, ओके नेपाल, लखनऊ इन नेपाल गए, ओके वहाँ तो नेपाल के काफी सारे लोग हैं, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम नेपाल। धौराने, ओके ओके। आपका यूट्यूब का नाम क्या है? जस्ट अ सेकंड, होल्ड दिस, आई विल वॉच योर, श्योर श्योर श्योर, या डेफिनेटली। आपको देखेंगे यार, बहुत बहुत यूट्यूब देखेंगे ना हम, इसीलिए थैंक यू थैंक यू। सो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी का स्टैच्यू, काफ़ी बड़ा सा है पहाड़ों के बीच में, नाइस। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है छोटा सा एरिया, ये जहाँ पे बैठ सकते हो आप, रिलैक्स कर सकते हो और अपने माइंड को थोड़ा सा पीसफुल करा सकते हो। और ये है हेलीपैड यहाँ से, जो कि पोखरा से उड़ के यहाँ पे आता है, तो जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहाँ पे उतरते हैं डायरेक्ट। यहाँ से कुछ ऊपर से व्यू है, हम यहाँ से होके आए थे नीचे, वहाँ पे बाइक पार्क की है और यहाँ से निकलेंगे अभी फटाफट 10 मिनट के अंदर वापस से नीचे। हम पहुँच गए अभी नीचे, यहाँ पे स्पाइडरमैन, ओ माय गॉड, हेलो हेलो, सॉरी क्या हुआ? ओह क्या नाम है आपका? स्पाइडरमैन, अरे वाह नाइस, क्या नाम है आपका? इधर बैठो, आप बैठो इधर, मेरा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? नो नो, मतलब गंदा है, नहीं 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 नहीं, बाहर वो खाने का नहीं, खा जा नहीं। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है, नाम नाम क्या है? स्पाइडरमैन दिखाओ अपना, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन दिखाओ, इसमें इनको दिखाओ स्पाइडरमैन, ये यू पाई मैन यू पाई मैन, सेम कलर ना, ओ वेरी क्यूट, ठंड नहीं लग रही? हाँ अभी चल रहे हैं यहाँ पे, खाने के लिए भी है तो खा के ही निकलते आराम से, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं है, ब्रेड वगैरह खाई थी वो भी कुछ ऐसा असर नहीं किया, और चाय तो मुझे प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है काफ़ी टाइम से, तो कुछ नहीं था, जुकाम था शाम में तो चाय पी लिया, अदरवाइज नहीं पीता। और आपको यहाँ पे एक बहुत ही अलग सी चीज़ दिखाते हैं, देसी जुगाड़, ये है यहाँ का हीटर, पानी गर्म करने के लिए, कुछ भी सुखाने के लिए, ये पूरा स्टील का बनाया हुआ है ऐसे, जैसे अपने यहाँ डिश एंटीना होता है वैसा कुछ है, और बीच में यहाँ पे एक रॉड लगा के रखने के लिए बना देते हैं, जिन पर आप कैटल वगैरह भगोने रख देते हैं, तो उसमें पानी गर्म हो जाता है, सब्ज़ियाँ उबल जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है बड़े ही आराम से, क्योंकि पूरा सनलाइट जो है एक जगह इकट्ठा करके फोकस करता है, नीचे से ऐसे गर्म कर लेते हैं यहाँ का जुगाड़, तो ये प्रोसेस करते हैं इधर। यहाँ पे जो लोकल का कल्चर है ऐसा
कपड़े बनाने का मफलर बना के देते हैं आपको सामने से। ये जो आप खूबसूरत से मफलर देख रहे हैं ये सब बुने हुए हैं यहाँ पे सामने से, ये धागे थ्रेड लगा के हाथ से बुनाई करते हैं, तो पूरा ये हैंड क्राफ्टेड सारी चीज़ें हैं। ये धागा भी बनाते हैं इधर, और ऐसा पूरा ये शॉप है, अलग अलग चीज़ें मिलती है इधर। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फ्री वाईफाई पासवर्ड है, लाइट तो आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे बैठ के हम आराम से अभी अपना थोड़ा सा चाउचो ऑर्डर किया आज, बहुत टाइम से नाम सुना था, खाया का भी नहीं था चाउचो, आज ट्राई कर लेते हैं सूपी होता है क्या कैसा होता है। तो गाइज यहाँ बैठ के इंतज़ार किया 10 मिनट और आ गया अपना ये चाउचो जो डिश है यहाँ की, और ये हॉट वाटर दिया है कुछ ऐसे कप में। कल एक भाई साहब बैठ के पी रहे थे इसको, हमें लगा देसी दारू है भाई, ऐसे पी के मुंह बना रहे थे अजीब सा। हाँ बाहर ही हाँ पता नहीं भाई, लेकिन कुछ ऐसा ही था लुक वाइज। तो बाकी चाउचो ट्राई करते अभी कैसा है, कैसा लग रहा है खा के, मज़ा आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं। इफ़ सूप इज़ गुड देन चाउचो इज़ ऑल्सो गुड, अदरवाइज इट वेजिटेबल्स। हाँ ओके भाई यमी है यार ये तो, एकदम सूप लग रहा है, मनचाओ सूप। चलो हम फटाफट फिनिश करते हैं और ये डिश अपने इंडिया में लेके चलते हैं, कुछ करो जुगाड़ इसका, मिल जाए तो मिलती है लेके चलेंगे यहाँ से, बहुत टेस्टी बना भाई, मज़ा आ गया। सो अलर्ट गाइज, हमारा जो है लंच आज का हो गया है, चाउ चाउ बहुत ही टेस्टी था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और काफ़ी सही भी था, मुझे सिंपल सा लगा, मज़ा आया खा के, और यहाँ के दर्शन भी हो गए। अभी यहाँ से निकलते हैं तुम्बा लेक के लिए और उसके बाद फिर मार्फा विलेज है वहाँ पर जाएंगे, जो कि जोमसम के करीब में है, करीब 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो निकलते हैं यहाँ से और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते समाप्त, नेक्स्ट लोकेशन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। सो उम्मीद करता आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो यहाँ पे फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव इंडिया।